नमस्कार साथियों, साथियों हम इस समय खड़े हैं दिल्ली दिल्ली में, पूर्वी दिल्ली, और ये स्कूल का नाम है राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जनता फ्लैट। और जनता फ्लैट स्कूल को एक तारीख से कोएड करने जा रही है सरकार। इनके जो कुछ आला अधिकारी यहाँ पर आए और आने के बाद ज़बरदस्ती प्रिंसिपलों से साइन कराए गए हैं, जो कि हम कुछ बच्चों से बात करें कि वो बच्चे क्या उन लड़कों के साथ पढ़ना चाहेंगे या नहीं, क्योंकि कुछ ही ऐसी समस्या हैं जिनसे ये बच्चे अपने आप बताएंगे। क्योंकि जब स्कूल अलग अलग हैं तब इतनी समस्या आ जाती है कि इनको ये खुद सेफ नहीं है बिल्कुल। जब ये एक साथ पढ़ेंगे तो कितने सेफ होंगे कितने नहीं सेफ होंगे ये खुद बताएंगे अपने आप। बच्चों आप लोग ये बताओ कि ये स्कूल कोविड हो रहा है और एक तारीख से ये लड़के लड़के साथ साथ पढ़े, क्या आप लोग एक साथ पढ़ना चाहोगे? आप लोग बताओ क्या परेशानी आएगी आप लोगों को? तो ऐसा मतलब जैसे जो डिपार्टमेंट या शिक्षा विभाग जो फैसला ले रहा है, क्या आप उससे सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी इतनी प्रॉब्लम होती है, हम जाते हैं तो लड़के बहुत कमेंट करते हैं और अगर साथ में हो जाएंगे तो बहुत ही प्रॉब्लम होगी ना, बहुत ज़्यादा। इससे पहले एक सुंदर नगरी में स्कूल था, उसे भी जो कोविड था उसको भी अलग अलग कराया गया था, क्या मतलब वही चीज़ें आप लोगों के सामने आएगी? उस चीज़ के लिए आप लोग एग्री किस तरीके से हो? समस्या ये आ रही है कि अगर लड़के लड़के एक साथ पढ़ेंगे तो यहाँ के पेरेंट्स क्या उस बात से राजी हैं कि भाई हाँ बच्चे लड़के लड़के एक साथ पढ़ने चाहिए या नहीं पढ़ने चाहिए? तो ये हम स्कूल में वो समस्या क्या कारण है बताओ? समस्या जब बिना पढ़े इधर गेट पे खड़े हो जाते हैं, अभी लड़के को इतना कम करते हैं तो बाद में क्या करेंगे? यहाँ मतलब सेफ होते हैं जैसे घर इस तरीके से, अभी अलग अलग क्लास चलती है उस समय सेफ नहीं, क्या जब एक साथ पढ़ेंगे बच्चे तब सेफ नहीं? जब क्या होगा ना, अभी तो अभी आना लड़कियों को तंग बहुत करते हैं ना, लड़कियों पहले जाकर खड़े हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर आप कुछ बताइए। नहीं यहाँ पर बच्चे आते हैं, बच्चे इतना तो मेरी बहुत होती है, लाइन में आते हैं जैसे धक्के मारते हैं और छेड़ते हैं, ये चीज़ नहीं होती है। गाने लग जाएंगे जब क्या करेंगे? वो पुलिस वाले लोग और सब स्कूल के लड़के हैं, बाहर के नहीं हैं। आप बताएं एक घंटे पहले आ जाते हैं जो है एक साथ जो है लड़के लड़की को पढ़ाने का जो प्रावधान कर रहे हैं, क्या इससे सहमत हैं? एक साथ क्या क्या समस्या आई? कोई बात तो मैं कह रही हूँ एक घंटे पहले आ जाते हैं। ये तो एक तारीख से इसे पास पढ़ने का प्रावधान बड़ा जबरदस्ती बनाया जा रहा है, तो हम ये चाहेंगे ना कि ये भाई यहाँ के पेरेंट्स अगर बोले तो भाई होना चाहिए नहीं होना चाहिए तो उसका ये हो गई सर। आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए यहाँ पर जो है ना स्कूल ये है सामने जिसके सामने हम खड़े हैं, यहाँ पर जो है ना पूरी तरीके से इस स्कूल का जो है ना कोएड करने का पूरा प्लान बना दिया और एक तारीख से इस स्कूल को कोएड कर दिया, क्योंकि लड़के लड़कियाँ एक साथ पढ़ाने का बना दिया। अब यहाँ सामने सुंदर नगरी है,
इधर बराबर में नन लग रही है, लोकल के ही लोग रहते, इतना कोई ज्यादा इतना हाई फाई एलएजी फ्लैट है सामने। जो यहाँ पर जो है ना कि भाई यहाँ कोविड करने के बाद क्या सरकार क्या डिपार्टमेंट ये जिम्मेदारी लेगा कि बच्चों के साथ जो भी समस्या आएंगी, जो लड़कियों के साथ जो समस्या आएंगी, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो लिहाजा यहाँ के पेरेंट्स और सभी ये कह रहे हैं कि इस स्कूल को कोविड ना किया जाए, क्योंकि बराबर में ही पास में यूपी बॉर्डर है, यूपी है, तो कुछ बच्चे यूपी से भी आते हैं यहाँ पर, तो ऐसा नहीं किया जाए, क्योंकि यहाँ की जो लोगों की जो समस्या है वो ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चे सेफ नहीं है, नहीं सेफ सेफ नहीं है, जबकि अलग अलग हैं तब सेफ नहीं है, तो साथ रहने के बाद क्या होगा इस क्षेत्र का और इस विद्यालय का, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यही क्षेत्र है। अब आप बताइए, आप कुछ कहना चाहते हैं? जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।